जानवरों पर सदियों से चले आ रहे साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज के बावजूद भी अपनी काबिलियत और हरकतों से हमें हैरत में डाल देते हैं। कभी कभी जानवर कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं कि जिसे देखकर हम इंसान भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाते। एथोलॉजी यानी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर से हम इन जानवरों को काफी हद तक समझने में कामयाब हुए हैं, मगर अभी भी कुछ जानवर अपने अजीबोगरीब बिहेवियर से हमें हैरान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे ही बर्ताव और खासियत बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आप ये सपोर्ट देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बदले मैं आपके लिए और भी कई सारी अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहूंगा। नंबर वन, गोट्स। बकरियों में अक्सर ये चीज देखी जाती है कि वो चलते चलते अचानक ही अकड़ कर जमीन पर गिर जाती हैं। देखने वाला बकरी को इस हालत में देखकर एक बार तो डर ही जाता है। अगर रिसर्चर्स की माने तो बकरियां अचानक होने वाली किसी भगदड़ से खतरे को देखकर घबरा जाती है, इसी वजह से इनकी बॉडी अकड़ जाती है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि असल में बकरी बेहोश होते ही नहीं, बल्कि ये जमीन पे गिरने के बाद भी होश में रहती है। अचानक से होने वाली भगदड़ से इनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, जैसे इंसानों पर अचानक होने वाले किसी हमले से उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही इन बकरियों के साथ भी होता है, हालांकि ये सभी बकरियों में नहीं पाया जाता। रिसर्चर्स बताते हैं कि अचानक होने वाले अटैक से बकरी को कोई भी नुकसान नहीं होता। नंबर टू, हॉग नोज स्नेक। इसका नाम दरअसल इसकी सूअर जैसी नाक की वजह से पड़ा है। हॉग नोज स्नेक दरअसल नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इनका मुंह काफी चौड़ा होता है। अब तक की दर्ज की गई इनकी सबसे ज्यादा लंबाई करीबन 40 इंच तक है। इनका रंग और पैटर्न कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस सांप की एक्टिंग देख लें तो आप इसको ऑस्कर अवार्ड जरूर दे देंगे। ये सांप इंसानों के लिए खतरनाक बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन जब इनको किसी इंसान या शिकारी से कोई खतरा हो तो ये कोबरा की तरह अपना फन फैलाकर ऐसे ही कोबरा की तरह अपने जुबान को अंदर बाहर करते हैं ताकि शिकारी को डरा सकें। और अगर शिकारी इन्हें पकड़ ले तो ये उससे डसने की एक्टिंग करते हैं, शिकारी को काटना शुरू कर देते हैं, मगर दांत नहीं गाड़ते। अगर इससे भी काम न चले तो ये मरने की एक्टिंग करते हैं, जो कि सांपों में आमतौर पर देखा नहीं जाता। अगर आप इसे सीधा करने की कोशिश करेंगे फौरन ये पलट जाते हैं और ऐसा शो कराते हैं कि ये मर चुके हैं। नंबर थ्री, स्कंक डिफेंस मैकेनिज्म। स्कंक छोटे से घने बालों वाले प्यारे से जानवर हैं, जिनमें काली, सफेद और ब्राउन कलर की धारियां और धब्बे होते हैं। ये छोटा सा जानवर अपने हिफाजत के लिए जो ट्रिक इस्तेमाल करता है वो ट्रिक किसी भी बड़े भालू तक को भागने पर मजबूर कर सकती है। स्कंक के पास एक ऐसा खतरनाक और बदबूदार स्प्रे है जिसकी मदद से ये अपने आप को दुश्मनों से बचाता है। स्कंक जब भी अपने ऊपर खतरा महसूस करता है तो सबसे पहले ये अपने पीछे की दोनों टांगों को उठाकर शिकारी को डराने की कोशिश करता है। अगर शिकारी इसे डरे ना तो अपने पिछवाड़े पर मौजूद ग्लैंड से इतना खतरनाक स्प्रे छोड़ते हैं कि कोई भी जानवर या इंसान इसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये स्प्रे किसी इंसान या जानवर के आंख में चला जाए तो वह अंधा भी हो सकता है। 15 से 37 इंच वाला ये जानवर 15 फीट की दूरी तक ये स्प्रे को फायर कर सकता है। और अगर इलास्टिंग की बात करें तो ये बदबूदार स्प्रे अगर किसी इंसान या जानवर के ऊपर चिपक जाए तो कई हफ्तों तक इसकी स्मेल उसे परेशान कर सकती है। इसकी स्मेल इतनी तेज होती है कि इसे 5.5 किलोमीटर दूर से भी सूंघा जा सकता है। नंबर फोर, लायर बर्ड। अब हम इस वीडियो के सबसे खास मेहमान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो कि नायाब परिंदा है। इसे लायर बर्ड के नाम से जाना जाता है और इस परिंदे का शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदों में होता है और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ये परिंदा नकल करने में बहुत ही माहिर है। ये दूसरे परिंदों के गाने, कुत्तों के भौंकने की आवाज, कार के हॉर्न, चैन शो, किल ठोकने की आवाज और कई सारे आवाजों के भी नकल कर लेता है। ये अपने इर्द गिर्द सुनाई देने वाले लगभग हर आवाज को परफेक्ट तरीके से नकल करने की क्षमता रखता है। ये पक्षी किस तरह अपने इर्द गिर्द सुनाई देने वाले आवाजों की नकल करता है ये आप खुद ही देख लीजिए।
नंबर फाइव स्नेक। इस वीडियो में आपको एक सांप खुद को ही खाता दिख रहा होगा। आप ये देखकर सोच रहे होंगे कि ये सांप आखिर ऐसा क्यों करते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक सांपों का खून ठंडा होता है, जिसकी वजह से वो अपना बॉडी टेम्परेचर ठीक तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते। उन्हें अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए सूरज की रोशनी या किसी गर्म चीज की जरूरत होती है, लेकिन इस दौरान अगर वो गर्म हो जाए तो भी वो अपने बॉडी टेम्परेचर को सही तरीके से ठंडा नहीं कर पाते। बॉडी टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका दिमाग सही से काम नहीं कर पाता और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, जिनकी वजह से वो सेंस ऑफ फॉल्स हंगर यानी कि झूठी भूख का शिकार हो जाते हैं, और खाने के लिए जल्दी से कोई चीज न मिलने पर वो अपनी ही पूंछ को खाना शुरू कर देते हैं, और ना ही वो ऐसी हालत में होते हैं कि खाना खुद ही ढूंढ सके। ये हरकत सांपों के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होती है, क्योंकि सांप उस समय तक अपने शिकार को नहीं छोड़ते जब तक कि उसे पूरा ना निगल ले, और ऐसे में ही ये शिकारी खुद का ही शिकार हो जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नंबर 6 रेनडियर साइक्लोन। फरवरी 2019 में एक अजीब फुटेज गलती से कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जब वाइकिंग के ऊपर वाइल्ड वे ऑफ द वाइकिंग के नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही थी। डॉक्यूमेंट्री के एक सीन में जब एक वाइकिंग रेनडियर का शिकार करने की कोशिश कर रहा था, जब रेनडियर सर्कल में गोल गोल दौड़ने लगे और डॉक्यूमेंट्री में ये असल नजारा कैद हो गया। ये देखकर सभी हैरान हो गए और इन्हें साइंटिस्ट ने रेनडियर साइक्लोन का नाम दिया। रिसर्चर्स के मुताबिक जब भी इन्हें किसी शिकारी से खतरा होता है तब ये इसी तरह गोल गोल भागने लगते हैं, और शिकारी को ऐसे में किसी एक रेनडियर पर निशाना साधना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह ये अपने आप को शिकारी से बचाने की कोशिश करते हैं। नंबर 7 अलास्कन वुड फ्रॉग। मिलिए इस वुड फ्रॉग से, जिसकी खासियत ने साइंटिस्ट के होश उड़ा के रख दिए थे। जी हाँ, हर साल सितंबर के महीने में ये मेंढक बहुत ही अजीब काम करता है। ये ठंडे मौसम में पूरी तरीके से जम जाते हैं। इनकी बॉडी का 2/3 पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। अगर आप उन्हें उठाएंगे ऐसा लगेगा जैसे कि वो अकड़कर मर गए हों, और इनके हाथ पैर मोड़ने से ये लकड़ी की तरह टूट जाएंगे। दरअसल जब अलास्का में टेम्परेचर -20 डिग्री गिर जाता है तब इस मेंढक की बॉडी तकरीबन 80% बर्फ में जम जाती है। इस दौरान इसकी बॉडी में नाकाबिले अजीब और नामुमकिन सा बदलाव होता है। उसका सांस लेना और खून का बहना, लीवर का काम करना, यहाँ तक कि दिल की धड़कन भी बंद हो जाती है। अगर कहें तो वो मर चुका होता है, लेकिन 7 महीने बाद जब मौसम बदलता है तो फिर उसके ऊपर से बर्फ पिघलने लगती है, और इसके दिल में अचानक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है और इसका दिल फिर से धड़कने लगता है। मतलब ये फिर से जिंदा होकर अपने काम पर लग जाता है, और इसीलिए इसे फ्रोजन फ्रॉग भी कहते हैं। नंबर 8 लंगूर। दोस्तों, इंसानों के बाद अगर किसी समझदार जीव की बात की जाए तो वो बंदर ही है, और साइंस ने इसे प्रूव भी करके दिखाया है, जो ये जाहिर करता है कि उनमें भी इंसानों की तरह फीलिंग होती है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट भारत में बंदरों के साथ किया गया था, जब बंदरों के पास एक रोबोट बेबी मंकी रख दिया गया। उसे अकेला देखकर एक मादा उसके पास आकर उसे बहलाने लगी। आमतौर पर लंगूर के बच्चे अपनी माँ को कसकर पकड़ते हैं, पर रोबोट होने की वजह से ये उस मादा के हाथ से गिर गया। उसे ना हिलता देखकर मादा को लगा कि उसकी गलती की वजह से इस बच्चे की जान गई है। वो उसे उठाकर रोने लगती है, और फिर कुछ देर बाद वो उसे उठाकर एक ऊंची जगह पर रख देती है। फिर कुछ ऐसा हुआ। ये सब कुछ देखकर रिसर्चर्स की टीम भी चौंक गई। सारे लंगूर उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे, कुछ तो उसे सूंघने लगे और कुछ उसे हाथ लगाने लगे। ये सभी रिएक्शन बिल्कुल इंसानों की तरह था। वैसे जब कोई इंसान मरता है उसकी फैमिली और जानने वाले उसके आसपास इकट्ठा होते हैं और उसका आखिरी दीदार करते हैं। दोस्तों, आज अमेजोन के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं, और वह हमारी दुनिया से कॉन्टेक्ट में भी है, और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो
हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।